राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जल्द ही मोदी कैबिनेट में एंट्री मिलने वाली है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल मंत्रालय या फिर मानव संसाधन मंत्रालय का प्रभार सौंपा जा सकता है। सिंधिया के करीबी समर्थक का कहना है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार इसी महीने होने वाला है, जिसमें सिंधिया जी को शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। सिंधिया समर्थक ने दावा करते हुए कहा है कि सिंधिया को केंद्र में रेल मंत्रालय सौंपा जा सकता है या फिर उन्हें मानव संसाधन या शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी ने बीते शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी। सूत्रों का कहना है कि बैठक में मोदी सरकार ने कैबिनेट में युवा चेहरों को शामिल करने की बात कही थी। सूत्रों का मानना है कि सिंधिया के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और असम के सर्वानंद सोनोवाल को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाना तय माना जा रहा है। ये भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके पिता माधवराव सिंधिया भी रेल और मानव संसाधन मंत्री रह चुके हैं। माधवराव सिंधिया को पीवी नरसिम्हा राव सरकार में मानव संसाधन मंत्री बनाया गया था।